बॉलीवुड के मारूफ फिल्मसाज संजय लीला भंसाली ने अपनी डेब्यू नेटफ्लिक्स सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार में मरकजी किरदार आलम जेब के लिए अपनी भांजी का ही इंतखाब क्यों किया, वजह बता दी। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय लीला भंसाली ने अपने हालिया इंटरव्यू में अपनी भांजी अदाकारा शर्मीन सैगल को आलम जेब के किरदार के लिए मुंतखब करने पर उठने वाले तमाम सवालों का जवाब दिया। हिदायतकार का कहना है कि आलम जेब के किरदार के लिए शर्मीन सैगल ही बेहतरीन इंतखाब थी, इसमें वो तमाम खूबियां थी जो आलम जेब के किरदार के लिए जरूरी थी। इन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सीरीज में शर्मीन सैगल के चेहरे के तासुरात बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे इस किरदार की डिमांड थी। इस किरदार के लिए नए और मासूम चेहरे की जरूरत थी, एक ऐसा चेहरा जो तवाइफ बनना नहीं चाहता हो, बनावटी ना हो और ना ही इसका लबो लहजा तवाइफ की तरह हो, बल्कि इस किरदार के लिए जरूरी था कि वो नया और मासूम चेहरा हो जो शायरी करना और आजादी की ख्वाहिश रखता हो, जिसके लिए शर्मीन सैगल दुरुस्त इंतखाब है। संजय लीला भंसाली के मुताबिक इन्होंने शर्मीन सैगल को सिर्फ इसलिए कास्ट नहीं किया कि वो इनकी भांजी है, बल्कि इन्हें ऑडिशंस के मुश्किल मराहल से गुजरना पड़ा जिसके बाद इस किरदार के लिए इनका इंतखाब किया गया। इन्होंने बताया कि वो इस सीरीज में तवायफ का किरदार निभाने वाली तमाम अदाकाराओं के लिए ज़रूरी था कि वह तवायफ की दुनिया के हर एक पहलू को समझें, जिसके लिए एक तवील मुद्दत का काम करना पड़ा। ख्याल रहे कि संजय लीला भंसाली की भांजी और भारतीय अदाकारा शर्मीन सैगल को नेटफ्लिक्स सीरीज हीरा मंडी में खराब अदाकारी और बेजान तासुरात के खूब ट्रोल किया जा रहा है। इसके साथ ही अदाकारा के इंतखाब पर भी सवाल उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि इन्हें सिर्फ हिदायतकार की भांजी होने की वजह से इस सीरीज का हिस्सा बनाया गया है।